शिक्षक साथियों नमस्कार, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, दिनांक 26 जुलाई 2021 को जनपद चित्रकूट में ऑनलाइन आकलन परीक्षा शिक्षकों की, जिनमें समस्त प्रधान अध्यापक, सहायक अध्यापक, अनुदेशक, शिक्षा मित्र सभी ने प्रतिभाग किया और आधारशिला ध्यानाकर्षण व शिक्षण संग्रह मॉड्यूल पर आधारित प्रश्नोत्तरी पूछी गई। मिशन प्रेरणा प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत यह पेपर आयोजित किया गया, जो आपको इस वीडियो पर बताया जाएगा किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए और कितने अंक के थे। तो साथियों, इसे ध्यान से देखिएगा, हो सकता है अगला नंबर आपके जनपद का हो। उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियो आपको एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध होती रहें। और साथियों, वीडियो के अंत में दिए आपको उपयोगी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने साथियों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन को अपने ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि आपको तुरंत मिल सकें। तो साथियों, चलिए देखते हैं प्रश्नोत्तरी। मिशन प्रेरणा प्रश्नोत्तरी 2021 प्रेरणा पुनरावृत्ति प्रश्नोत्तरी। पहला क्वेश्चन है साथियों, आधारशिला शिक्षण मॉड्यूल को हम अन्य किस नाम से परिभाषित करते हैं? इसके प्रत्येक क्वेश्चन के एक पॉइंट निर्धारित हैं। पहला ऑप्शन है रेमेडियल टीचिंग मॉड्यूल, कंपेडियन मॉड्यूल, फाउंडेशनल लर्निंग मॉड्यूल, इनमें से कोई नहीं। ये साथियों अपना नोट्स करते जाइएगा और अपने ध्यान से, और इसका ऑप्शन लास्ट में आंसर आपको बताया जाएगा। ध्यान आकर्षण शिक्षण मॉड्यूल के अनुसार बच्चों के लिए ध्यान आकर्षण शिविर कुल कितने कार्य दिवसों के लिए आयोजित किया जाना है? 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन या 60 दिन के लिए? ध्यान आकर्षण शिविर यानी रेमेडियल टीचिंग क्लासेस। तीसरा क्वेश्चन है, सत्र 2020-21 में किस एक शिक्षण मॉड्यूल पर केंद्रित करते हुए भाषा एवं गणित विषय हेतु क्रियान्वयन संदर्शिकाओं का निर्माण किया गया है? आधारशिला, ध्यान आकर्षण, शिक्षण संग्रह, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा सूची में कक्षा 4 व 5 की कितनी कितनी दक्षताएँ दी गई हैं? 12-12, 14-14 या 13-13 या 16-16 दक्षताएँ? कौन सा विकल्प सही है, आप सोचिए और मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। मिशन प्रेरणा का शुभारंभ किस तिथि को हुआ? 5 सितंबर 2019 को, 6 सितंबर 2019 को, 4 सितंबर 2019 को, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कौन सी हस्तपुस्तिका में बच्चों के चिन्हांकन, वर्गीकरण एवं विभिन्न शिक्षण तकनीकियों का उल्लेख किया गया है? आधारशिला में या ध्यानाकर्षण में, शिक्षण संग्रह, उपर्युक्त में से कोई नहीं। मिशन प्रेरणा का शुभारंभ किस तिथि को हुआ? यह आपका कंपेनियन शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में वर्णित प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में कितने अक्षरों को प्रभावी शिक्षण के तरीकों को बताने हेतु प्रयोग किया गया है? शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में 26, 25, 24 या 23? कंपेनियन शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में वर्णित प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी किससे संबंधित है? गुणवत्ता युक्त शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्रेरणादायी शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा। प्रभावी शिक्षण हेतु ध्यान आकर्षण मॉड्यूल में कितनी तकनीकियों के बारे में बताया गया है? 10, 12, 18 या 20? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसको आप सोचिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के आरंभिक आकलन हेतु आरंभिक परीक्षण प्रपत्र कौन तैयार करेंगे? बच्चों के अभिभावक, विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य, विद्यालय के प्रधानाध्यापक, विद्यालय के सभी अध्यापक, अपने अपने विषय से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 11, वर्तमान समय में ई पाठशाला का कौन सा फेज चरण गतिमान है? अभी इस समय कौन सा फेज चल रहा है ई पाठशाला का? 3, 4, 5 या 6? मिशन प्रेरणा के अंतर्गत चलाई जा रही ई पाठशाला फेज 5 में प्रेरणा साथी कौन है? प्रेरणा साथी को गठन करना था
वो कौन हैं, अभिभावक हैं, वॉलंटियर हैं, स्व इच्छा से शिक्षा विकास के लिए काम करने वाले लोग हैं या उपरोक्त सभी। ELPS बच्चों को प्रारंभिक स्तर पर किस विषय को पढ़ाने के लिए विशेष उपयोगी क्रम है, गणित, भाषा, अंग्रेजी या पर्यावरण। लर्निंग गैप क्या है, वास्तविक अधिगम स्तर तथा कक्षा अनुरूप अपेक्षित अधिगम स्तर में अंतर, वास्तविक अधिगम स्तर तथा विषयानुसार वास्तविक स्तर में अंतर, उपरोक्त दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। लर्निंग गैप, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के किस भाग में प्रारंभिक आकलन प्रपत्र के कुछ नमूने दिए गए हैं, भाग दो, भाग तीन, भाग चार, भाग पाँच। बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति न होने के निम्न में से कौन कौन से कारण हैं, कलहपूर्ण पारिवारिक वातावरण, माता पिता की शैक्षिक स्थिति अच्छी न होना, अध्यापक का कठोर व्यवहार, उपरोक्त सभी। तो साथियों, जिन्होंने एग्जाम दिया है, प्रतिभाग किया है, वो अपना उत्तर मिलान कर लेंगे और उनके उत्तर के मिलान अभी 30 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद बताया जाएगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, एक प्रेरणा तालिका सीट पर कितने बच्चों का विवरण भरा जा सकता है, 20 बच्चों का, 30 बच्चों का, 40 बच्चों का या 50 बच्चों का, प्रेरणा तालिका सीट। अगला प्रश्न है साथियों, आरंभिक आकलन प्रपत्र में पूर्व माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए प्रश्नों की संख्या क्या होगी, 15 या 20 या 25 या 30। बाला का फुल फॉर्म, पूर्ण विस्तारित नाम क्या है, बाला का फुल फॉर्म क्या है, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, बिल्डिंग एज लर्निंग असिस्टेंट, बिल्डिंग एज लीगल एड, बिल्डिंग एज लीगल असिस्टेंट। किसी शिक्षक को अपनी कक्षा में पढ़ाने से पूर्व शिक्षण, पूर्व कक्षा शिक्षण की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, सीधे सीधे पढ़ाते हुए, बच्चों से पाठ पढ़वाकर, किसी रोचक घटना या गीत से, बिना किसी TLM के। मिशन प्रेरणा का स्लोगन क्या है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, बढ़े उत्तर प्रदेश, पढ़े उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश शिक्षित प्रदेश, उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश, उपरोक्त में से कोई नहीं। मिशन प्रेरणा का जो स्लोगन है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, प्रत्येक छात्र के लिए प्रेरणा तालिका शिक्षकों द्वारा कितने कितने समय अंतराल में भरी जाएंगी, हर 15 दिनों में, प्रत्येक माह, हर 2 माह में, हर 3 माह में, ये प्रेरणा तालिका कितने दिनों में भरी जानी है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा गया है, पहला विकल्प 5 या 7, 4, 3। शिक्षण संग्रह कंपेंडियम हस्तपुस्तिका के कुल कितने भाग हैं, 5 भाग या 7 भाग या 4 भाग या 6 भाग। शिक्षण संग्रह, प्रेरणा सूची में किस कक्षा तक के विद्यार्थियों की दस्ताएं दी गई, कक्षा 1 से 2, कक्षा 2 से 3, कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 8। सीखने की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है, CERA, ERAC, REAC, इनमें से कोई नहीं। सीखने की प्रक्रिया का सही क्रम में लगाना है, वो कौन सा मैच होगा। अभी तक मिशन प्रेरणा के कुल कितने लक्ष्य निर्धारित हैं, 5, 10, 15, 20। ये साथियों, स्व मूल्यांकन हेतु मैंने ये पेपर बनाया, मतलब आपको प्रेषित कर रहा हूँ, जो आप अपने आप स्व मूल्यांकन कर सकते हैं कि हम कौन सा क्वेश्चन हम करेक्ट कर पा रहे हैं, कौन से हमसे छूट जा रहे हैं, उसे वापस आप रिवाइज कर सकते हैं। तो रिवाइज करने के उपरांत ही आपको आंसर बताया जाएगा। आधारशिला शिक्षण मॉड्यूल विशेष रूप से किन कक्षाओं के लिए विकसित की गई हैं, कक्षा 1 से 5 तक के लिए, कक्षा 6 से 8 तक के लिए, 1, 2 व 3 के लिए, केवल 4 व 5 के लिए। आधारशिला मॉड्यूल बुनियादी शिक्षा के लिए बनाई गई है, वो कौन सी कक्षा उसमें समाहित की गई है वो देखना है। भाषा सीखने सिखाने के क्रम LSRW में यस से क्या तात्पर्य है, स्पीकिंग, स्टूडेंट, स्कूल, सर्वे, जो आपको स्टेबल लगता है उसमें आप टिक कर लेंगे। मिशन प्रेरणा की टैग लाइन क्या है, हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश, मेरा प्रदेश प्रेरक प्रदेश, कौन बनाएगा प्रेरक प्रदेश, अपना प्रदेश प्रेरक प्रदेश। ये साथियों कंप्लीट 30 क्वेश्चन थे जो चित्रकूट जनपद के शिक्षक साथियों ने जो है प्रतिभाग किया और इस प्रकार से यहाँ से उन्होंने सबमिट कर दिया। अब आपको बताया जाएगा कि कितने आंसर इसमें करेक्ट हैं। पहला, आधारशिला शिक्षण मॉड्यूल को हम अन किस नाम से परिभाषित करते हैं, ऑप्शन आपका तीसरा करेक्ट होगा, फाउंडेशनल लर्निंग मॉड्यूल, ये आप तीसरे पे टिक करेंगे। आप मिलान कर लीजिएगा, जो पहले मैं छोड़ के चला गया था, एक भी आंसर आपको नहीं बताया, अब आप आंसर मिलेंगे यहाँ पर।
और मिलान करते हुए अपने आप चेक कर सकते हैं कितने क्वेश्चन आपके द्वारा सही किए गए, करेक्ट किए गए और कितने नहीं हुए। या अन्य जनपदों के शिक्षक जो जुड़े हैं इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसे चेक करते चलेंगे और इसी प्रकार के क्वेश्चन समाहित किए जाएंगे उन जनपदों के पेपरों में। ध्यान आकर्षण शिक्षण मॉड्यूल के अनुसार बच्चों के लिए ध्यान आकर्षण शिविर कुल कितने कार्य दिवसों के लिए आयोजित किया जाना है? 50 दिवसों के लिए हमारे रिमेडियल टीचिंग क्लासेस का आयोजन किया गया है ध्यान आकर्षण मॉड्यूल में, तो तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सत्र 2020-21 में किस एक शिक्षण मॉड्यूल पर केंद्रित करते हुए भाषा एवं गणित विषय क्रियान्वयन संदर्शिकाओं का निर्माण किया गया था? आधारशिला, जिसे बुनियादी शिक्षा का मॉड्यूल भी कहते हैं इस पुस्तिका को। क्वेश्चन नंबर फोर है साथियों, प्रेरणा सूची में कक्षा 4 व 5 की कितनी कितनी दक्षताएं दी गई हैं? 16 16 दक्षताएं हैं कक्षा 4 व 5 के लिए, और इसी प्रकार से कक्षा 1 से लेकर 3 के लिए आपकी 14 14 दक्षताएं हैं। तो प्रश्न पत्र में बदला जा सकता है कि कक्षा 1 2 व 3 के लिए कितनी कितनी दक्षताएं दी गई हैं। तो 16 दक्षताएं आपकी भाषा के लिए है और 16 दक्षताएं गणित के लिए, इस प्रकार से 16 16 कक्षा 4 व 5 की हैं, और 1 व 2 व 3 के लिए 14 14 दक्षताएं हैं, 14 भाषा की और 14 गणित की। तो ये साथियों आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मिशन प्रेरणा का शुभारंभ किस तिथि को हुआ? 5 सितंबर 2019 या 6 सितंबर 2019, इस प्रकार से आपका 4 सितंबर 2019 को शुभारंभ किया गया था और 5 सितंबर 2019 से लागू किया गया था। कंपेडियम शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में वर्णित प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में कितने अक्षरों को प्रभावी शिक्षण के तरीकों को बताने हेतु प्रयोग किया गया है? 26 प्रशिक्षण तकनीकियां हैं जो इन्हें सम्मिलित किया गया है। कंपेडियम शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में वर्णित प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी किससे संबंधित है? गुणवत्ता युक्त शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी शिक्षण हेतु ध्यान आकर्षण मॉड्यूल में कितनी तकनीकियों के बारे में बताया गया है? 18 तकनीकियां प्रभावी शिक्षण हेतु ध्यान आकर्षण मॉड्यूल में बताई गई है। आप तीसरे पर टिक करेंगे। बच्चों के आरंभिक आकलन हेतु आरंभिक प्रशिक्षण प्रपत्र कौन तैयार करेंगे? विद्यालय के सभी अध्यापक अपने अपने विषय से संबंधित तैयार करेंगे, ना कि अभिभावक और ना ही SMC, और विद्यालय के प्रधान अध्यापक भी नहीं तैयार करेंगे। यहाँ प्रत्येक कक्षा के जो कक्षा अध्यापक होंगे वो तैयार करेंगे। तो ये तीसरा ऑप्शन चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। वर्तमान समय में ई पाठशाला कौन सा फेज गतिमान है? इस समय 5वां फेज चल रहा है, फेज 5। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत चलाई जा रही ई पाठशाला फेज 5 में प्रेरणा साथी कौन है? अभिभावक हैं, वॉलंटियर हैं, स्वेच्छा से विकास के, इसमें उपरोक्त सभी हैं। ELPS बच्चों को आरंभिक स्तर पर किस विषय को पढ़ाने के लिए विशेष उपयोगी क्रम है? गणित, भाषा, अंग्रेजी, ये आपकी गणित के लिए है ELPS। LSRW आपका जो है भाषा के लिए है, ध्यान रखिए। लर्निंग गैप क्या है? वास्तविक अधिगम स्तर तथा कक्षानुरूप अपेक्षित अधिगम स्तर में अंतर को लर्निंग गैप कहते हैं। यह आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान आकर्षण मॉड्यूल के किस भाग में प्रारंभिक आकलन प्रपत्र के कुछ नमूने दिए गए हैं? ये भाग 4 में दिए गए हैं, तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति न होने के निम्न में से कौन से कारण है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो कलहपूर्ण पारिवारिक वातावरण, माता पिता की शैक्षिक स्थिति अच्छी न होना, अध्यापक का कठोर व्यवहार करना, उपरोक्त सभी, ये सभी प्रकार के कारण हो सकते हैं जिनमें से बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति नहीं हो पाती है। एक प्रेरणा तालिका सीट पर कितने बच्चों का विवरण भरा जा सकता है? 30 बच्चों का एक सीट पर भरा जा सकता है, ये दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट। आरंभिक आकलन प्रपत्र में पूर्व माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए प्रश्नों की संख्या क्या होगी? 15 20 25 या 30। तो पूर्व माध्यमिक यानी जूनियर कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए जो आकलन प्रपत्र भरा जाएगा वहाँ पर आपके 25 प्रश्न होंगे और 15 प्रश्न होते हैं आपके प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए जो प्रश्न पत्र बनाया जाता है।
आकलन प्रपत्र। तो ये आपका जूनियर के लिए है, इसलिए 25 प्रश्न होंगे। बाला का फुल फॉर्म है बिल्डिंग एज लर्निंग एट। किसी शिक्षक को अपनी कक्षा में पढ़ाने से पूर्व कक्षा शिक्षण की शुरुआत कैसी करनी चाहिए? साथियों, किसी रोचक घटना या गीत से प्रारंभ करके बच्चों को केंद्रित करते हुए उनका कंसंट्रेशन हो सके। मिशन प्रेरणा का स्लोगन निम्न में से क्या है? उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश मिशन प्रेरणा का स्लोगन जो बना हुआ है चित्र, उसके नीचे स्पष्ट लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश। प्रत्येक छात्र के लिए प्रेरणा तालिका शिक्षकों द्वारा कितने कितने समय अंतराल में भरी जाएंगी? हर 15 ये यहाँ पर आपको हर 3 माह में प्रेरणा तालिका शिक्षकों द्वारा भरी जानी है। 34 ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। 4 ऑप्शन आपका करेक्ट है। शिक्षण संग्रह कंपेंडियम हस्तपुस्तिका के कुल कितने भाग हैं? 5, 7, 4 या 6? तो यहाँ पर 6 भाग हैं। प्रेरणा सूची में किस कक्षा के विद्यार्थियों को दस्ताएं दी गई हैं? तो साथियों स्पष्ट है कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका और प्रेरणा लक्ष्य के निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ पर कक्षा 1 से 5। सीखने की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? ERAC दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अभी तक मिशन प्रेरणा के कुल कितने लक्ष्य निर्धारित हैं? 10 लक्ष्य निर्धारित हैं साथियों, 5 गणित के और 5 भाषा के। इस प्रकार से 10 लक्ष्य हुए। क्यों? क्योंकि कक्षा 1 से 5 के लिए प्रत्येक कक्षा के लिए एक एक लक्ष्य हुए, तो 5 लक्ष्य आपके भाषा के लिए हो गए हर कक्षा के लिए और 5 गणित के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे 10 लक्ष्य हैं। आधारशिला शिक्षण मॉड्यूल विशेष रूप से किन कक्षाओं के लिए विकसित की गई हैं? कक्षा 1, 2 और 3 के लिए बुनियादी शिक्षा पर आधारित है ये 1, 2 व 3। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। भाषा सीखने सिखाने के क्रम LSRW में यश से क्या तात्पर्य है? स्पीकिंग स्टूडेंट स्कूल सर्वे, यहाँ पर स्पीकिंग होगा। L मीन्स लिसनिंग सुनना, S स्पीकिंग राइट, R और W हो गया राइटिंग, R रीडिंग पढ़ना लिखना और आपका पढ़ना सुनना बोलना पढ़ना लिखना, ये सही क्रम है LSRW का। तो ये स्पीकिंग हुआ। मिशन प्रेरणा की टैगलाइन क्या है? मेरा प्रदेश प्रेरक प्रदेश। कौन बनाएगा प्रेरक प्रदेश? अपना प्रदेश प्रेरक प्रदेश, हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश। ये साथियों सही रिजल्ट है, जो सही प्रश्नों के सभी के उत्तर आपको इस वीडियो पर मिले। यदि ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो के अंत में लाइक कर दीजिए और अपने साथियों को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी अपना देख सकें किस प्रकार से पेपर आया था और उनके उत्तर क्या हैं। तो साथियों नए वीडियो के साथ आपको मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।